नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड स्टोरेज के बारे में। मैं आपके साथ दो टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं, फीफो और लीफो। कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि फीफो लीफो के बारे में बताइए। बाकी आप में से जो भी लोग चाहते हैं मैं एक टॉपिक को पिक करके उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जो भी आपको आपके कॉलेज में नहीं समझाया जा रहा है, आपके शेफ़ लोग नहीं समझा रहे हैं, आपके होटल्स वाले नहीं समझा रहे, रेस्टोरेंट वाले नहीं समझा रहे, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। जब एक ही कमेंट 6-7 बार आ जाएगा तो मुझे लगेगा कि इस वीडियो पे टॉपिक ज़रूरी है, तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो चलिए, तो इसके ऊपर कम से कम 6-7 बच्चों ने, मैंने व्हाट्सअप पे डाला था ये, तो 6-7 बच्चों ने कमेंट किया था कि ये वीडियो बनाइए, तो मैं ये आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरा फर्ज बनता है ये आपको बताना। चलिए, तो लीफो और फीफो की बात करें तो लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आप देखेंगे कि आपके स्टोर्स में लगा रहता है कागज, आपके आपके किचन में लगा रहता है, जिसमें कि बोला जाता है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी सामान स्टोर से लेके आ रहे हो, जो पहले आया है उसे पहले इस्तेमाल करना है, चाहे किसी भी प्रकार का सामान हो, दाल हो, चावल हो, चीनी हो, सब्जी हो, ग्रॉसरी के आइटम हो, ये ग्रॉसरी के आइटम ही थे, नॉनवेज हो या दूध हो, डेयरी हो, पनीर हो, तो जो पहले आया है उसको पहले ही इस्तेमाल करना है। तो हो गया एक ये पॉइंट, ये एक पहला पॉइंट। दूसरा, आप देखते हैं यहाँ पे अचानक से आपको लीफो दिखाई दिया जाता है, या कोई आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेफ आता है आपको बताता है लीफो के बारे में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो सामान बाद में आया है पहले उसे इस्तेमाल कर लेना है, जो सामान पहले आया था उसको पहले इस्तेमाल नहीं कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान बाद में आया है उसे पहले इस्तेमाल करना है। क्यों करना है आपको, मैं वो भी बताऊँगा यहाँ पे। अगर इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करें हमारे, जब भी हम लोग स्टोर से सामान लेके आते हैं, आप लोग एक रिक्वेस्टेशन लिखते हो, आपके शेफ उसको अप्रूव करते हैं, और आप किसी एक पर्टिकुलर स्टोर में जाके वो सामान स्टोर वाले को दिखाते हो और वो आपको सामान इशू कर देता है। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग फूड की बातें कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे दो प्रकार के स्टोर बता रहा हूँ। एक है हमारा ग्रोसरी स्टोर, दूसरा होता है हमारा पेरिशेबल स्टोर। ग्रोसरी स्टोर के अंदर आपके सारे मसाले आ गए, दाल, चावल, चीनी हो गया, आपका अनाज हो गया, नमक हो गया, ये सारी सारे ड्राई आइटम्स को बोल सकते हैं, वो सारे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप जाके स्टोर वाले को पर्ची देते हो, अगर आपका बड़ा होटल है, छोटा होटल है, तो आप डायरेक्ट ही खुद ही एक पर्ची देते हो, सारा का सारा सामान आपके पास आ जाता है। उसके बाद आप ले जाके क्या करते हो, आप अपने सेल्फ में या आप लोगों का जो किचन का स्टोर होता है वहाँ पे आप रख देते हो। अब आप देखेंगे जो भी आप मसाले, दाल, चावल, चीनी, ये सारी की सारी चीज़ें लेके आए हैं, इनके पीछे एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इसका मतलब होता है कि जो एक्सपायरी डेट लिखी पड़ी है, आपको उस डेट से पहले इस सामान को पूरा यूज़ कर लेना होता है। अब एक सिनेरियो तो ये हो जाता है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, जो पेरिशेबल आइटम होते हैं, पेरिशेबल आइटम में आपकी सब्जी हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, नॉनवेज आपका हो गया, या इसी प्रकार के आइटम, ठीक है जी, पेरिशेबल के अंदर हमारे आ जाते हैं, फ्रोजन आइटम हो गए। अब जब आप लोग ये रिसीव करते हैं, अगर हम सब्जी की बात करें तो सब्जी में किसी भी प्रकार की यहाँ पे टैगिंग नहीं होती कि भाई उसको 3 दिन इस्तेमाल करना है, 4 दिन इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर सही है तो आप हफ्ते बाद भी इस्तेमाल करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो सिंपली आप इसको लेके स्टोर वाले को ये सारी इक्वेशन देते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट करके आपको वो सामान देता है। उसके बाद आप अपने सारे के सारे चीज़ों को जाके अपनी एक जो भी स्टोर है आपका रख देते हो। अगर मैं सब्जी की बात करूँ, आप सारी की सारी सब्जियाँ जाके अपने एक स्टोर में रख देते हो। डेयरी की बात करूँ, डेयरी में अगर दूध, दही, पनीर अगर आपका आ रहा है तो आप ले जाके अपने स्टोर के अंदर आप रख देते हो। अब यहाँ पे जब आप अपने स्टोर के अंदर रख देते हो, जो भी आपकी दूध, दही, पनीर है, उनके पीछे एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, सब्जियों के पीछे एक्सपायरी डेट नहीं रहती है। इसके बाद अगर आपके पास फ्रोज़न कॉर्न पीस ये आ रहा है, ये भी आप जाके फ्रोज़न में रख देते हो, आइसक्रीम सारी है वो भी फ्रोज़न में रख देते हो, जिसके के पीछे एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। इसके बाद आपके नॉनवेज के आइटम आते हैं, नॉनवेज में आपके दो तरीके से आ सकते हैं, फ्रोज़न भी आ सकता है, फ्रेश भी आ सकता है। फ्रोज़न आता है तो उसके पीछे एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, पर अगर कोई फ्रेश ला रहा है तो वहाँ कोई भी उसके पीछे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है। वो आपको अपनी अपनी काबिलियत पे या सूंघ के कैसे भी समझ के पता लगाना होता है कि भैया ठीक है या गलत है। जब ये प्रक्रिया आपकी हो जाती है तो सारा सामान आपके एक पर्टिकुलर स्टोर में चला जाता है। अब यहाँ पे आती है हमारी लीफो और फीफो की बात। इसमें जो भी आपके आइटम हैं जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी पड़ी होती है, वो आपको पहले इस्तेमाल करना होता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पर वहीं जब आपके पास आप दोबारा से, एक ये तो हो गया कि आप एक बार सामान लेके आ रहे हैं, इसके बाद जब आप कभी दोबारा सामान लेने जाते हैं, आप दोबारा से मसाले लेने जाते हैं, आपके पास कुछ बैकअप पड़ा रहता है, मैं यहाँ ग्रॉसरी पे आ रहा हूँ सिर्फ अभी, तो आपको एक जो स्टोर वाला एक और मसाला दे, नमक का पैकेट दे देता है, जिसका कि एक्सपायरी डेट जो पहले आप लाए थे उसकी एक्सपायरी डेट जनवरी में थी, अब इसकी एक्सपायरी डेट दिसंबर में हो
करोगे। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लोग यूज़ करोगे यहाँ पे लीफो का, जो आप सामान बाद में स्टोर से लेके आए हो उसे आप पहले इस्तेमाल करोगे, क्योंकि अगर आप उसे पहले इस्तेमाल नहीं करोगे तो जो कि आपका पुराना वाला सामान है जो आप पहले लेके आए हैं एक्चुअली वो नया है, वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लीफो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरे सिनेरियो में अगर आप सब्ज़ी लाए हो तो सब्ज़ी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पहले इस्तेमाल कीजिए कभी भी इस्तेमाल कीजिए, पर अगर आप उसको काट देते हो, काटने के बाद वो एक तरीके से उसका मीज़ा प्लस कर देते, तो वहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि आपको उसको विद इन जो भी आपकी स्पेसिफिक टाइम या गाइडलाइन, जो भी आपके रेस्टोरेंट होटल ने ऑपरेशंस एसओपी सेट करी है उसको आपको फॉलो करना है। इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ डेयरी प्रोडक्ट की, आप डेयरी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो बहुत सारा, आप दूध लाते हो सोमवार को और वो बुधवार को ख़त्म होना है, मैं 48 घंटे का यहाँ पे 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ, पर अचानक से सोमवार के बाद आपके मंगलवार की सप्लाई आती है और जो कि दूसरे दिन आई है, और उस पे जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो दूध कहीं से पुराना आया हुआ होता है या आपको मजबूरी में दे दिया जाता है कि आपको नेक्स्ट डे नहीं मिलने वाला है, कहीं पे दंगे फसाद हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो आपका जो दूसरे दिन दूध आया, जो मंडे के दिन आया दूध, आपको पहले इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि रूल के हिसाब से आपको संडे का दूध पहले इस्तेमाल करना था। तो यहाँ पे आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप वो पहले इस्तेमाल करें, नहीं तो वो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में भी हम लोग दोबारा से लीफो इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे स्टोर में यही होता है, कभी आपके पास इतना सारा एक्सेस सामान आ जाता है, कभी गलती से आता है, कभी जानबूझ के आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चोरी चकारी होती हैं होटल्स में, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए या आप उन चक्कर में मत रहिएगा, फालतू की चीज़ें कुछ नहीं होता है, मैंने भी कई लोगों को नौकरी से निकलते हुए देखा इस चक्कर में, तो उन चीज़ों में नहीं रहना है। तो वापस टॉपिक पर आएंगे, तो जो भी सामान आपका ख़राब हो रहा है और ख़राब करने के लिए आप जो भी प्रक्रिया अपना रहे हैं उसको आप एक तरीके से लीफो बोल सकते हैं, फीफो भी इस्तेमाल कीजिएगा, लीफो भी इस्तेमाल कीजिएगा, और आपका जो भी स्टोरेज है उसको एक सुरक्षित ढंग से चलाइएगा, और ताकि आपके जो भी आपके जो सामान है वो सुरक्षित हो पाए और कस्टमर तक वो सेफली पहुँच पाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा लीफो और फीफो का मतलब। क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे लिख देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।